हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉसिल की जो जैकलिन की जो एनालॉग सिल्वर वॉच है फॉर लेडीज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसी है वॉच या फिर उसकी ऑथेंटिकेशन, मतलब उसकी जेन्यूननेस के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वॉच को निकाल लेते हैं फटाफट इस बॉक्स से बाहर। तो चलिए निकालते हैं। तो ये रहा इसका बिल, से रखते हैं साइड में। नेक्स्ट ये रहा हमारा वॉच का बॉक्स। बॉक्स देखने में देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। फॉसिल भी आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ। नीचे भी देखिए ब्रांडिंग काफ़ी अच्छे से कर रखी है। बॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल न्यू का न्यू है। तो फ्रेंड्स, चलिए वॉच को बाहर निकालते हैं। ये देखिए मैनुअल आ गया। सबसे पहले मैनुअल को रखते हैं फिलहाल थोड़ी देर साइड में। वॉच को निकालते हैं बाहर। तो वॉच देखिए, ये रही वॉच। और इसके देखिए साथ में हमें यहाँ पे बारकोड भी दिख रहा है, नज़र आ रहा है अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलिए हम जान लेते हैं इस घड़ी की टेस्टिंग के बारे में। क्या ये वॉच सही में जैसी रियल दिख रही है, ये रियल है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये मैंने वॉच निकाल चुकी है बाहर बॉक्स से। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या ये वॉच रियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने सबसे जो पहले काम किया है वो है मैंने इसका जो बारकोड दे रखा है यहाँ पे, इसे मैंने बारकोड स्कैनर से स्कैन किया। और देखिए मैंने स्कैन करके देखा कि इसकी डिटेल्स मुझे ऑनलाइन शो कर रहा था। नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये जो इसके स्ट्रैप्स हैं, मीन्स यहाँ पे जो चेन नज़र आ रही है, ये देखिए आपके क्या होने चाहिए, लैमिनेटेड होने चाहिए। तो अगेन लैमिनेटेड मिले तो अभी तक तो लग रहा है कि वॉच बिल्कुल जेन्यून है, बिल्कुल ऑथेंटिकेट है। नेक्स्ट चीज़ अब लास्ट जो है, जहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा स्पेशली इन्होंने बहुत ज़्यादा चतुराई की है जिसने भी ये कॉपी बनाई है, बट एक चतुराई करना भूल गए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा, मैं आपको ध्यान से करके दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए मैं एनलार्ज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आपको, ये देखिए आपको रेड कलर की एक लाइन दिखी यहाँ पे डायल के बैक साइड में। तो फ्रेंड्स यहीं से सारी चीज़ क्लियर हो गई, जितनी भी चालाकी दिखानी थी दिखा चुके। बट यहाँ पे ये रेड लाइन क्यों दिखी आपको डायल पे, क्योंकि ये वॉच बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये कॉपी है, फेक है। और फॉसिल जैसे बिग ब्रांड्स की ये काफ़ी ज़्यादा बदनामी करते हैं ऐसा, बट फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसे फेक कॉपीज़ बना के बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए ये रेड कलर का आ गया। मैं आपको देखिए इसमें जहाँ से मैंने परचेज़ किया था, मैं वहाँ के आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, और वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वहाँ पे डायल के पीछे ऐसा कुछ रेड लाइन नहीं था, जबकि यहाँ पे हमें स्पेशली नज़र आ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया काफ़ी सारे तरीके हैं चेक करने के लिए कि वॉच रियल है कि या फेक है। तो देखिए हमने पहले दो जो चेक किए, जो मैंने पहले कहा बारकोड जब मैंने स्कैन करके देखा, मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में डिटेल्स मिल गई ऑनलाइन। नेक्स्ट जो चीज़ थी लैमिनेशन के बारे में, देखिए यहाँ पे लैमिनेटेड है स्ट्रैप्स, तो यहाँ से भी अभी तक मुझे नहीं पता लगा था कि ये है। बट जैसे ही मैंने डायल के पीछे देखा तो मुझे एक रेड कलर की लाइन दिख गई जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, बट फिर से मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसलिए यहाँ से मुझे पता लगता है कि ये वॉच क्या है, हमारी फेक है। देखिए आप रेड कलर की लाइन देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली क्लियरली। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ महंगी चीज़ खरीदे प्लीज़ उसे ऑथेंटिकेट ज़रूर कीजिए, अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए, या फिर कहीं से भी आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और अपनी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अच्छे से जानकारी देखें और कभी भी धोखा ना खाएं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो कर दीजिए अपनी तरफ से एक लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर आपको भी कहीं ऐसा किसी के साथ धोखा होता है तो वो जल्दी से इसे पहचान लीजिए और जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी से रिटर्न कर दीजिए। और आइंदा थोड़े से बहुत स्मार्ट बनिए और हमेशा ऐसे चंगों में नहीं आए, स्मार्टली शॉप करें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑनलाइन ख़रीदें, काफ़ी सारे पैसे अपने वेस्ट करें, और वो भी किसके लिए, एक फेक कॉपी के लिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अपनी इंफॉर्मेशन थोड़ी अपडेट करें और हमेशा इन सब चीज़ों से बचें, मीन्स अपने फेक प्रोडक्ट से बचें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपको फेक कॉपीज मिले, बट आपको फिर भी थोड़ा बहुत सतर्क रहना है और अपनी इन्फॉर्मेशन को थोड़ी एनहांस करना है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी की गाइडेंस लें और तभी ऑर्डर कीजिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो प्लीज़ इस वीडियो कर दीजिए अपनी तरफ से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी को इस तरह की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।